नर्सरी से एक प्लांट लेके आई थी, इसको मैंने बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पप्स निकल आता है। जितना बड़ा गमला होता है तो उनको फैलने में मदद मिलता है। आज मैं आपको एक स्नेक प्लांट से मल्टीप्लाई कैसे बनाते हैं बताती हूँ। अभी मैं एक एक करके इनको सेपरेट करूँगी। देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5 हुए हैं। तो स्नेक प्लांट नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है। और ये ऐसे करने से कलर भी दूसरा पौधा जब उगता है ना ऐसे ही आता है। ऑटर प्रोपोगेशन और दूसरे करते हैं ना वो सेम कलर नहीं आता। स्नेक प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इसको इंडोर लगा सकते हैं और ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए। आराम से इंडोर में भी आता है। एक साल के बाद ये भी नए पप्स आएंगे इसमें भी, तो फिर पॉट भर जाएगा। इनको भी मुझे रिपॉट करना है, अभी सेपरेट करना है। तो पॉट पूरा फुल हो गया, सेपरेशन करना है। मैंने एक प्लांट से इतना प्लांट बना दिया तो मेरा नया घर बन रहा है। इसके लिए इंडोर रखने के लिए मैं ये कर रही हूँ। ये ज़्यादा धूप में रखने की वजह से ऐसा हुआ है। इनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। और गार्डनिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।